क्या हिम मानव या फिर जिसे हम यति कहते हैं वो सच में होते हैं या फिर वो सब बस कल्पना है। आज के वीडियो में हम इसी राज के ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं। यति होते हैं या नहीं, ये वैज्ञानिकों के बीच काफी बड़ा सवाल बना हुआ है। यूएफओ के बाद अगर किसी को देखने की सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है तो वो होते हैं यति। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यति को देखा है। यहाँ तक कि इंटरनेट पर यति से जुड़ी कई वीडियोस और फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसे देखने के बाद हम भी ये सवाल करने में मजबूर हो जाते हैं कि यति होते हैं या नहीं। तो चलिए हम आपको शुरू से यति की कहानी बताते हैं, तो इसे जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। लोगों को यति के बारे में कैसे और कितना पता है? अगर देखा जाए तो हिम मानव का उल्लेख कई धार्मिक किताबों में भी किया गया है। और अगर हम ये कहें कि इंसानों को सबसे पहली बार यति होते हैं या फिर यति क्या चीज है, इस बारे में धार्मिक किताबों से ही पता चला है, तो ये बात गलत नहीं होगी। पुराण, रामायण और महाभारत जैसे कई धार्मिक ग्रंथों में यति के बारे में लिखा हुआ है। यही नहीं, नेपाल, चीन, रशिया ऐसे और भी कई देशों में हिम मानव को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। एक तरफ उसे सदियों से भारत में हिम मानव, नेपाल में यति, अमेरिका में बिगफुट, ब्राजील में मपिंगुरे, ऑस्ट्रेलिया में योवेई, इंडोनेशिया में साजा रंग गीगी जैसे नामों से पुकारा जाता है, और दूसरी तरफ उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। अब अगर बस इसे एक ही देश में माना जाता तो हो सकता है कि यह बस एक दंत कथा हो, लेकिन इसे इतने सारे देशों में देखने का दावा किया जाता है और ये देश एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग अलग है, तो अब इसे पूरे तरीके से नकारना बिल्कुल भी जायज नहीं है। और साथ में नेपाल और भूटान में कई लोग हैं जो कहते हैं कि यति होते ही हैं, और वहां पर कुछ बुजुर्गों का कहना है कि एक वक्त था जब यति को देखना आम बात होती थी, लेकिन वहीं कुछ लोग इन्हें झूठे कहते हैं। अगर यति कैसे दिखता है इसकी बात करें तो माना जाता है ये हमेशा घने जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। जितने लोगों ने भी इसे देखा है वो इसे सामान्य आदमी से लंबा, पूरे शरीर बालों से भरा हुआ, ताकतवर और चीखने वाला बताते हैं। यति या हिम मानव बंदर की तरह एक प्राणी होता है, लेकिन ये बंदर से कई गुना ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि यति में हम इंसानों के जितना भी दिमाग होता है, और यति के ऊपर कई कथाएं भी है जिसमें ये बताया जाता है कि यति की बर्फ में अपनी अलग दुनिया होती है और इसीलिए वो इंसानों के साथ नहीं आना चाहते हैं। और यहीं पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हो सकता है यदि हम से डरते हैं, यानी कि उन्हें डर लगता है जो कि कहीं हम इंसान उनकी प्रजाति खत्म ना कर डाले, और इसलिए हमसे डरकर वो हमसे दूर रहते हैं। और ऐसे में दो थियरी निकल कर आई। एक का कहना है कि यति की काफी ज्यादा आबादी आज भी बर्फ की परत के नीचे रहती है और उधर तक पहुंचने का रास्ता गुफा के अंदर से जाता है। और वहीं पर दूसरी थियरी ये कहती है कि यति की आज पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा कम प्रजातियां बची है और इसी वजह से वो हम इंसानों से दूर रहते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। यति कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं, इन सब चीजों के बारे में कई रिसर्च की गई, लेकिन आज तक कोई खास जानकारी नहीं मिली। लोगों का मानना है कि यति जो हैं वो बर्फ में रहने वाले जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं और अपना पेट भरते हैं। यति को पहली बार कब देखा गया था? दोस्तों, एक रिपोर्ट में ये भी पता चला कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु घाटी को जीता था। इस जीत के बाद सिकंदर ने हिम मानव को देखने की इच्छा जताई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि हिम मानव काफी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, कम ऊंचाई पर वो नहीं पाए जाते, जिस वजह से वो यति को पकड़ नहीं सकते। इस बात से ये भी मालूम होता है कि यति को पुराने वक्त में भी लोग देखना चाहते थे, लेकिन हिम मानव या यति को सबसे पहले देखने का दावा पर्वतारोही बीएच हॉडसन ने किया था। अपने हिमालय अभियान के अनुभवों में उन्होंने लिखा था कि सन 1832 में उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में उनके गाइड ने लंबे बालों वाले एक विशालकाय प्राणी को देखने की बात कही। हॉडसन ने साफ लिखा है कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने अनजान प्राणी को यति नाम दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये यति रहने की कई बातें चलती रहती है, इसलिए उनको लगा ये वही जीव होगा। इसके बाद यति के देखे जाने की कई बातें कही गई और कुछ लोग तो पहाड़ों पर बस यति की तलाश करने ही जाते थे, और फिर उसमें से कुछ कहने लगे कि उन्होंने यति को देखा है,
और कई पर्वतारोहियों ने अपने किताबों में उसका उल्लेख कर दिया और उन्होंने यति को देखा है। हिमालय क्षेत्र ही नहीं दुनिया के बाकी हिस्सों से भी ऐसी खबरें आती रही। हालांकि कोई भी अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे सका। कुछ लोगों ने फोटोज दिखाए, वो भी क्लियर नहीं थे और कुछ तो नकली थे, जिसकी वजह से सबको लगने लगा कि बाकी सारे फोटो भी नकली होंगे। पर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें गलत नहीं बताया जा सकता। सन 1925 में प्रोफेशनल फोटोग्राफर और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य एम ए टॉम बाजी ने लिखा कि उन्हें जेमू ग्लेशियर के पास 15,000 फुट की ऊंचाई पर बालों से ढका एक विशालकाय प्राणी देखा है। टोम्बाजी ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने उसे लगभग 200 मीटर दूरी से देखा था। वो एक मिनट तक उसे निहारते रहे। उसकी शारीरिक बनावट पूरी तरह से इंसानी थी, लेकिन शरीर पर बहुत अधिक मात्रा में बाल थे। उसके तन पर कपड़े जैसी कोई चीज नहीं थी और उनका कहना था इसके बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी नजर हटाई तो वो वहां से गायब हो गया। पहले तो उन्हें लगा ये सब भ्रम था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वैसा ही जीव दिखा और इस बार वो धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ रहा था, जिसे देखकर वो पीछे हट गए और वो हिममानव फिर इनका पीछा नहीं कर रहा था। और यही नहीं, इसके बाद इसी जगह पर दिसंबर 2007 में अमेरिका के एक टीवी शो एक्टर जोशुआ गेट्स और उनकी टीम ने भी यति के क्लियर फुटप्रिंट्स देखने का दावा किया था। उन्होंने बताया कि फुटप्रिंट की लंबाई 33 सेंटीमीटर थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस जीव के वो पैर होंगे वो जीव कितना ज्यादा बड़ा और विशाल होगा। यति के दिखने का असली प्रूफ। 2011 में एडिनबर्ग चिड़ियाघर के रिसर्चर्स ने एक अंगुली पर रिसर्च किया। वो अंगुली नेपाल के एक पर्वत के पास जमी हुई थी। उसके बारे में दावा किया जाता है कि वो यति की उंगली है। जांच में पता चला वो किसी इंसान की उंगली थी। इससे भी पता चलता है कि यति को देखने की और उसके सबूत मिलने की कई घटना नकली भी हो सकती है। वैसे इसके बाद रूस की सरकार ने भी साल 2011 में यति में दिलचस्पी दिखाई थी। इसी चीज को लेकर रूस की सरकार ने पश्चिम साइबेरिया में विशालकाय पैरों वाले जानवर के एक्सपर्ट की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। कॉन्फ्रेंस में जॉन बाइंडर नेगल ने दावा किया था कि यति का न सिर्फ वजूद है बल्कि वे अपने रहने के लिए घर भी बनाते हैं, और उनका कहना था कि उन्होंने एक ऐसा घर देखा भी है जब वो अपने रिसर्च कर रहे थे। वहीं कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने इस दावे को खारिज कर दिया था कि कहा कि ये झूठा दावा है, और जॉन का ये भी कहना है कि वो उन लोगों को वहां ले जाकर दिखा भी सकते हैं। लेकिन आगे जाके इस बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई। इसके बाद 2013 में ऑक्सफोर्ड के जेनेटिक्स के विशेषज्ञ ब्रायन साइक्स ने यति से संबंधित नमूने मंगवाए थे। फिर उन्होंने दुनिया भर में यति के बताए जाने वाले बाल, दांत और टिश्यू भेजे थे। ब्रायन के पास कुल 57 सैंपल पहुंचे थे, जिनमें से 36 पर उन्होंने शोध किया। उन 36 सैंपल को इन्होंने अपने पास मौजूद अन्य जानवरों के डीएनए के नमूने से मिलाया। ज्यादातर सैंपल किसी न किसी जानवर के डीएनए से मेल खा गया। सिर्फ 2 सैंपल अलग निकले। ये सैंपल आज से करीब 40,000 साल पहले पाए जाने वाले ध्रुवीय भालू के पाए गए। साइक्स का मानना था कि हो सकता है ये नमूने एक हाइब्रिड भालू के होंगे क्योंकि ये वैसे लग रहे हैं, लेकिन ये भी बस कल्पना ही हो सकता है। ये 2 सैंपल यति के ही हों। यति भालू और बंदर से काफी मेल खाता है और इसलिए ये एक हाइब्रिड जीव के लग रहे होंगे, लेकिन इस बात को पक्के तौर से कोई नहीं कह सकता है। और यति को लेके लोग इतने ज्यादा जिज्ञासु हैं कि साल 2017 में एक बार फिर यति के बताए जाने वाले दांत, हड्डी, बाल और त्वचा व मलमूत्र के नमूने की जांच हुई। ये नमूने हिमालय और तिब्बत की पठारी में स्थित मठों, गुफाओं और अन्य स्थानों से जमा किए गए थे। रिसर्चर ने उस क्षेत्र और दुनिया के अन्य इलाकों से भालुओं और अन्य जानवरों का नमूना भी जमा किया ताकि उन्हें आपस में मैच कर सके, और यति के कुल 9 नमूनों में से 8 एशियाई काले भालू, हिमालयाई भूरे भालू या तिब्बती भूरे भालू से मैच करे गए। 9वां सैंपल एक कुत्ते का साबित हुआ, यानी ये सारा एक्सपेरिमेंट फ्लॉप साबित हो गया और लोगों को बस नाराजगी का सामना करना पड़ा। यति अच्छा है या बुरा? यति को कई जगह पर दानव और कुछ जगह पर अच्छा भी बताया गया है, और इसलिए ये सवाल तो हमेशा बना रहता है कि आखिर यति का स्वभाव कैसा है, यानी कि अगर वो इंसान को देखेगा तो उनके ऊपर हमला करेगा या नहीं। दरअसल कोलकाता के कैप्टन ने बताया कि जब वो हिमालय की यात्रा पर थे तभी एक पहाड़ से गिरकर उन्हें चोट लग गई थी, तभी एक आदि मानव जैसे बड़े विशाल जीव ने उनकी मदद की। वो आधे होश में थे इसलिए उन्हें इतना महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें उठा कर ले जा रहा है,
लेकिन वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद वो बहुत ही ज्यादा सेफ जगह पर जगे। उन्होंने देखा उनकी जो चोट थी वो भी काफी अच्छे तरीके से ठीक हो चुकी थी और वो पहाड़ के काफी नीचे तक पहुंच गए थे। वहीं पर रशिया की एक लड़की ने कहा, जब वो अपनी टीम के साथ बर्फीले पहाड़ की सैर कर रही थी तब हिम मानव ने उनके ऊपर हमला किया था। हिम मानव ने उनके सारे साथियों को मारकर उनके मांस को खा लिया था, लेकिन ये लड़की बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी और रो रही थी, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। और 2 दिसंबर 2013 में उत्तराखंड के भी कुछ मजदूरों को मार दिया गया था और उनके गर्दन को पूरे तरीके से मोड़ दिया गया था, जो कि एक इंसान के लिए शारीरिक बल से करना इम्पॉसिबल है। और फिर जांच पड़ताल में पता चला कि वो जहां काम कर रहे थे उनके बाजू में बहुत ही ज्यादा बड़े पैरों के निशान मिले थे, जो बताते हैं ये काम भी हिम मानव का है। तो हो सकता है हिम मानव भी बिल्कुल हम इंसानों जैसे होंगे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। वैसे आपको क्या लगता है हिम मानव के बारे में, और साथ में आपको हमारे ये डिटेल्ड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।